उत्तर प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक एरिया में अचानक एक होटल के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लड़के जो हैं वो पहुंचते हैं और अचानक वहां पे जाके छापेमारी करते हैं। इस छापेमारी के दौरान ये देखा जाता है कि वहां पर कई सारे प्रेमी जोड़े जो हैं वो पकड़े जाते हैं, और उनके बाद वो लोग जो हैं, जैसे ही इन लोगों को देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लड़कों को और बजरंग दल के लड़कों को देखते हैं, उसके बाद ये लोग जो हैं जल्दी से वहां से फरार होने लगते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो सामने आ रहा है। ये मामला जो है बिसौली रोड का है। बिसौली रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने छापा मारा, जिसमें कई नाबालिग जोड़े यहां पर पकड़े गए हैं। पुलिस को भी इस मौके पर बुलाया गया। कई जोड़े मौके पर हड़बड़ी में फरार हो गए हैं। वीडियो सामने आया है और ये वीडियो काफ़ी परेशान करने वाला है। और ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो देख सकते हैं कि ये जो लड़कियां हैं वो यहां से भाग रही हैं, और जल्दी जल्दी में जो है लोग वहां से भाग रहे हैं। और ये वायरल वीडियो बता रहा है कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह आप दौड़ करके देखिए कि गाड़ी पर चढ़ करके भागने की कोशिशें हो रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हो रहा है अभी। और आप देख सकते हैं कि ये एक फैमिली रेस्टोरेंट था, बगल में शायद वहीं से ये वीडियो सामने आता है, जहाँ पर लड़कियाँ जो है वो कई सारी लड़कियाँ, कहा माना जा रहा है कि दर्जनों लोग जो थे वो यहाँ पर थे और जो इस तरह का काम कर रहे थे। उसके बाद इसे कुछ लोगों को पकड़ लिया गया, कुछ लोगों को पकड़ा गया, कुछ लोग देखे लटकते पटकते जो है वो भाग गए। ये वीडियो काफ़ी परेशान करने वाला है। समझ से पड़े है कि आखिर इस समाज की लड़कियों को, लड़कों को, युवा पीढ़ी को क्या हो गया है, आखिर क्या वजह है कि इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। ये बिसौली का मामला है और इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है फैमिली रेस्टोरेंट के पास जो है ये कुछ अधिकारी हैं जो इस तरह से छापेमारी करते हैं, उसके बाद इसे पकड़ने की कोशिश की जाती है और कुछ लड़कों लड़कियों को जो है वहाँ पर लाइव पकड़ा जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पे अरकाम नाम के एक आईडी से पोस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश बिसौली रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छापा मारा, जिसमें कई नाबालिग जोड़े वहाँ पर पकड़े गए। कई जोड़े हड़बड़ी में फरार हो गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं अधिकांश बेगैरत लड़कियों ने नकाब पहन रखा है, और ये एक बड़ी कह सकता है कि नकाब वाली भी लड़कियां इसमें दिखाई दे रही हैं। नकाब पहने हुए लड़कियां दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर जाँच पड़ताल करे, और जाँच पड़ताल करते हुए इस पूरे मामले की जो कुछ भी सच्चाई है उसे उजागर करने का काम करे। ये बिसौली बदायूं जो है उत्तर प्रदेश में वहां का मामला है। द मुस्लिम से भी ट्वीट किया गया है, संवैधानिक अधिकारियों का उपयोग करते हुए उर्दू नाम वाली लड़कियां कर रही है हिजाब पहनकर मुसलमानों को बदनाम। बजरंग दल और वीएचपी ने रेस्टोरेंट पर मारा छापा। एक रेस्टोरेंट पे आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छापा मारा, जिसमें कई नाबालिग जोड़े वहां पर पकड़े गए। कई जोड़े मौके से हड़बड़ी में फरार हो गए। वीडियो में आप देख सकते हैं अधिकांश बेगैरत लड़कियों ने नकाब पहना हुआ है। यह द मुस्लिम नाम की एक आईडी है ट्विटर पर, इसके द्वारा इसको ट्वीट किया गया है। आगे इस पूरे मामले पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है। एक दोस्त बताता है कि किस लड़की पकड़ी गई है, जिसमें 16 मुस्लिम थी, 9 हिजाब में थी, और इस तरह की बातें कही जा रही है। अब ये कितनी सच्चाई है इस पूरे मामले में, इसके बारे में कोई पता नहीं है। इसको लेकर के जाँच पड़ताल होनी चाहिए। भगवा लव ट्रैप को जहाँ पाओ वहां मारो, ये इस तरह की बातें लिखी है पटेल ने, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये राइट नहीं है। ऐसे छापे हर रेस्टोरेंट और होटल्स में होने चाहिए। इसमें मुस्लिम गर्ल्स भी होंगी, इनकी वजह से आज पूरा मुस्लिम कौम शर्मिंदा है। मुसलमानों को भी ऐसा दल बना ही लेना चाहिए। इस तरह की तरह तरह के लोग अपना अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो परेशान करने वाला है। चाहे बेटियां किसी भी कौम से हो, किसी भी मजहब से हो, इस तरह के जो मामला सामने आ रहे हैं ये काफ़ी चौंकाने वाले हैं। कम से कम जो नाबालिग लड़कियां हैं, नाबालिग जो बच्चियां हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नाबालिग लड़कियां अगर इस तरह के ट्रैप में फंस रही हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। संवैधानिक तौर पर दो प्रेमी जोड़ा अगर 18 साल से 21 साल से ज़्यादा उम्र का है तो वो कहीं भी रह सकता है, लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है और इस तरह की घटना, इस तरह का काम हो रहा है तो ये कानूनन अपराध है। और ऐसे मामलों पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ध्यान दे, और हिंदुस्तान की तमाम जगह पे ज़रूरत है कि इस चीज़ को ध्यान दिया जाए कि क्या
बेटियां, किसी की जो बेटियां हैं उनके साथ कहीं किसी जगह इस तरह की घटना तो नहीं हो रही है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।